नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने चैनल क्रिएटर रहीम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आंखों को स्वस्थ रखने वाले आहारों के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल क्रिएटर रहीम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का निशान दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आँखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। हम सब आँखों से रंग बिरंगी दुनिया को देखते हैं और आँखें बहुत नाजुक अंग होता है। जरा सा धूल मिट्टी आँखों में चला जाए तो आँखों से पानी निकलने लगता है। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए इसे धूल मिट्टी से बचाएं और मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होने पर ही करें। इसके अलावा आँखों को स्वस्थ रखने के लिए अपने खान पान में बदलाव करें। चलिए मैं आपको ऐसे आहारों के बारे में बताता हूँ जिनके सेवन से आंखें स्वस्थ होंगी। नंबर एक, गाजर। विटामिन ए हमारे आंखों को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। गाजर में विटामिन ए बीटा कैरोटीन के रूप में पाया जाता है, जो आंखों को स्वस्थ रखता है और त्वचा भी जवान रहती है। नंबर दो, शकरकंद। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए आप शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। शकरकंद में विटामिन ए और विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई आँखों को मजबूत बनाते हैं और विटामिन ए आँखों को स्वस्थ रखते हैं, जिससे हमारी आँखों की रोशनी लंबी उम्र तक बनी रहती है। नंबर तीन, अंडा। अंडे में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें प्रोटीन के अलावा विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन, ओमेगा 6, फैटी एसिड, सल्फर और ल्यूटिन पाया जाता है। ये सभी तत्व आँखों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए अपने आहार में अंडों को जरूर शामिल करें। नंबर चार, संतरा। संतरे में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा संतरे में विटामिन ए भी पाया जाता है। संतरे में मौजूद विटामिन ए और विटामिन सी दोनों ही आँखों के लिए फायदेमंद होता है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट आँखों में मोतियाबिंद होने से रोकते हैं। संतरे के अलावा आप अन्य खट्टे फल अपने आहार में शामिल कर सकते हैं जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला, अंगूर आदि। नंबर पाँच, बादाम। बादाम में विटामिन ई भरपूर पाया जाता है। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी आँखों की कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करता है।